मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट के का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं, मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसी इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा जमीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसके उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में देयर वाज अ नीड व्हिच अरोज फॉर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पुरी, एंड इन द ईयर 2023 द ग्रांट फॉर द साइट क्लियरेंस वाज फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द प्रोग्रेस इन दिस फील्ड, बिकॉज द एयरपोर्ट इज टू बी बिल्ड इन ब्रह्मगिरी तहसील, वेरी क्लोज टू द जगन्नाथ टेम्पल, एंड बिकॉज ऑफ द रेलिवेंस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एंड पुरी बींग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, this airport is of prime importance. So I would like to know through the honorable speaker as to how we have progressed in this field. Thank you sir. Puri ka airport, I will support. Yes, yes. Jaldi kijiye, kindly do it quickly. Okay. So, sir, puri jo bhagwan jagannath ji ka kshetra wala airport hai, uske sambandh mein sir, ye jo airport hai greenfield airport hai sir, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने, और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है आफ्टर इनसाइट, आफ्टर साइट क्लियरेंस, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य DPR बनाकर और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए लिखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन PPP मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है, और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल।